सभी धनवान व्यक्ति इस स्कूल के इस कोचिंग सेंटर के शिक्षक या शिक्षिका गण बच्चे बच्चियां भाई और दोस्तों नौजवान साथियों सबसे पहले मैं कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मुशाहिर रजा साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, भाग्य का अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन 26 जनवरी है। 26 जनवरी के त्योहार आज पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। हमारा देश हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में बनाए हुए कानून को हमारे संविधान को लागू किया गया। इसलिए आज 26 जनवरी पूरे देश में सभी जाति और धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल करके इस 26 जनवरी को एक त्योहार के रूप में एक हर्षोल्लास के तहत हम लोग मनाते हैं। जब जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है हम लोग गा नहीं सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारे देश को अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों से आजादी दिलाया था, अपनी जान को आहुति देकर अपनी जान के बलिदान को देकर देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने एक साथ होकर के हमारे हिंदुस्तान को आजाद किया और अपनी जान की आहुति दिया, अपनी जान को बलिदान दिया, अपनी कुर्बानियां देकर हमारे देश को आजाद किया। इस आजाद हिंदुस्तान में हम आज सांस ले रहे हैं और ये मेरा अभियान के तौर पर जो हमारे देश में संविधान बनाया गया उस संविधान के तहत आज हम योग्य प्रमोहिया के प्रस्ताव पर गणतंत्र दिवस पूरे देश में हम मना रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई भैयाजी बुजुर्गदेव सैयद जी, बहुतों सैकड़ों हजारों महापुरुषों ने अपने जान को बलि देकर हमारे देश को आजाद किया था, हमारे हिंदुस्तान को आजाद किया था। उस आजाद हिंदुस्तान में हम आज सांस ले रहे हैं, आज हम घूम रहे हैं, हमें आजादी मिली। आजादी तो हमें मिल गई लेकिन आजादी के बाद आजादी के बाद 5 साल के बाद हम अंग्रेजों को आजाद हो गए। अंग्रेज हमें आजाद दिला दिया, अंग्रेजों से हमें आजादी ले ली, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम आजाद नहीं हो पाए, तालीम के क्षेत्र में हम आजाद नहीं हो पाए। आज भी हमारा साक्षरता दर इस मिशनगंज जिला में, इस सीमांचल के किशनगंज जिला में आज भी हमारा साक्षरता दर मात्र 58% है। जिस 58% को हम मान रहे हैं आज भी आंकड़ा मान रहे हैं, यदि थोड़ा सही नहीं है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य वही है वो बिहार है और बिहार के अंदर अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई पीड़ा जिला है वो हमारा किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा और जिसके कारण से आज हम रात आज जुड़े हैं, हमारे हर होटल अच्छे नहीं है, हमारा रास्ता अच्छा नहीं है, हम विकास के क्षेत्र में तो पिछड़े हैं। इस देश के अंदर ऐसे राज्य भी है जहाँ पर आज के देश में 58% 95% 98% हमारा साक्षरता दर है और किशनगंज जिला का साक्षरता दर मात्र 58% है। 98% और 98% के आंकड़ा को हमें छूना पड़ेगा। जिस दिन हमारा साक्षरता दर 95% और 98% हो जाएगा उस दिन यकीनन हमारे इस जिला में सड़कें भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बिजली पानी का भी क्षेत्र अच्छा होगा। जब तक हम विकास नहीं करते, जब तक हमारा तालीम अच्छा नहीं होगा, हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम विकास के रास्ते में अच्छा नहीं कर पाएंगे।
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा। आज इस अंतरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर जितने भी अभिभावक है, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, हमें खुशी हो रही है। 1980 के दशक में जब हम लोग स्कूल में पढ़ा पढ़ाते थे, उस समय उस स्कूल में यहाँ पर भी जाते थे, स्कूल में जानते हैं हमारी बच्चियों का तादाद मात्र 1-2% होता था। लोग अपने बच्चों को बढ़ाने नहीं चाहते थे। एक जागरूकता है लोगों के अंदर, लोग जागे कि नहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें बच्चियां हमारे बच्चियों को भी पढ़ाना पड़ेगा। आज बच्चों की तादाद देखकर हमें खुशी हो रही है। हमारी बच्चों की हमें खुशी हो रही है कि आज लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं। बेटा को अगर पढ़ाना फर्ज है तो बेटी को पढ़ाने में क्या फर्ज है? आज लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े और पढ़ मिल करके आगे बढ़े, हमारा नाम रोशन करे, देश के अंदर हमारा नाम रोशन हो, हमारा इज्जत हो। आज बच्चियां भी पढ़ना चाहती है, इसलिए कोचिंग सेंटर के अंदर, कोचिंग सेंटर का मतलब हुआ कि अच्छा सा